आज हम सब कोरोना काल से गुजर रहे हैं। पिछले वर्ष जब कोरोना के फैलने की शुरुआत हुई, तब एक ही चर्चा सामने आई और वह थी थर्ड इम्यूनिटी के को विकसित करना, और वो भी संभवतः योग के माध्यम से। इसी संदर्भ में हमारे दिप्सर विश्वविद्यालय ने भी योग से संबंधित कई कार्यक्रम किए, जिन्हें आम जनता के बीच साझा एवं प्रसारित भी किया गया। दिल्ली सरकार की शुरुआत से ही सक्षम रूप से कोरोना का सामना करती आ रही है, चाहे वो प्लाज्मा बैंक बनवाना हो, लॉकडाउन की शुरुआत करना हो, या कभी दवाओं की या ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना हो। कोरोना की दूसरी लहर से मानसिक तनाव और अन्य शारीरिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इन सब का उपचार भी ध्यान एवं योग के माध्यम से संभव है। यह दिल्ली सरकार की दूरदर्शिता ही थी, यह आपकी दूरदर्शिता ही थी कि फरवरी 2021 में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने दिप्सरू विश्वविद्यालय में ध्यान एवं योग केंद्र की न केवल कल्पना की अपितु संरचना भी कर डाली। दिल्ली सरकार और विश्वविद्यालय ने इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने का बीड़ा उठाया, और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम इसके उद्घाटन के मुकाम पर आ गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री मनीष सिसोदिया जी, सचिव टीटीई डॉक्टर एस बी दीपक जी, निदेशक टीटीई श्री अजीमुल हक जी, आदरणीय कुलपति दिप्सरू प्रोफेसर रमेश के गोयल, कुल सचिव दिप्सरू डॉक्टर ओपी शुक्ला, श्री अमरेश झा, श्री कमलेश मिश्रा तथा सभा में उपस्थित एवं इंटरनेट के माध्यम से जुड़े सभी दिग्गज विद्वानों और वरिष्ठों को मैं शिल्पा जैन, निदेशक ध्यान एवं योग केंद्र, समस्त दिप्सरू परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगी हमारी तकनीकी समूह से कि वे केंद्र का परिचय चलचित्र वीडियो के माध्यम से साझा करें। आज हम गर्व करते हैं कि भारत ने पिछले सैकड़ों साल में दुनिया भर के लोगों को तन और मन से स्वस्थ रहने का विज्ञान और ध्यान योग के रूप में उपलब्ध कराया। जब दुनिया में मॉडर्न लैब की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त मन और शरीर के विज्ञान को उन गहराइयों तक जाके अनुसंधान कर लिया था। हमने हजारों साल के अभ्यास के बाद विकसित हुई इस परंपरा को नाम दिया था ध्यान और योग की परंपरा। इसलिए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली की अलग अलग कॉलोनियों में नागरिकों की मांग पर उन्हें ध्यान और योग के इंस्ट्रक्टर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार और दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत एक साल का डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंस का कोर्स शुरू किया गया है। इस एक साल का कोर्स के अंतर्गत आपका इसको तीन भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसमें एक 3 महीने का कोर्स है जो सर्टिफिकेट के रूप में होगा टोटली, उसके बाद 9 मंथ का कोर्स है जो टोटली मिला के आपका एक साल का कोर्स है। एक साल के अंतर्गत 3 महीने में हम एज ए प्रैक्टिकल बेस, टोटली यह एक प्रैक्टिकल बेस कोर्स है। इस प्रैक्टिकल बेस कोर्स का मुख्य रूप से लोगों के बीच में जो इंस्ट्रक्टर तैयार होंगे, वह लोगों को ध्यान और योग के माध्यम से लोग दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रखेंगे। यह एक ऐसा प्रयास है। इस पूरे कोर्स का जो डिजाइन किया गया है वो आम जन के हित के लिए किया गया है, आम जन के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किया गया है। यह एक छोटा सा प्रयास है। योग को घर घर फैलाना चाह रहे हैं, योग की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति को फैलाना चाह रहे हैं। योग के माध्यम से श्वास प्रश्वास की क्या महत्वता है, ये ऑनलाइन इस सेंटर के थ्रू हम बताना चाह रहे हैं। इस कोर्स का उद्देश्य
दिल्ली के आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे कि दिल्ली के लोग अधिक से अधिक इससे बेनिफिट उठा सकें, लाभ उठा सकें, और जो यह कोर्स करें वह आम लोगों को जाकर योग समाज में सिखाएं। धन्यवाद। अब मैं बताना चाहूंगी उन व्यक्ति के बारे में जो न सिर्फ एक शिक्षाविद है अपितु शोध क्षेत्र में भी विश्व के 2% श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में सम्मिलित है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जिस स्कूल से प्राप्त की, आज वहां नए स्कूल के भवन के निर्माण हेतु 15 लाख का आर्थिक सहयोग भी किया। जिस केंद्रीय विद्यालय में पढ़े वहां आज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भी बने। जिस विश्वविद्यालय से स्नातक किया वहां कुलपति के रूप में लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं भी दी, और 33 वर्षों से लंबित फैकल्टी का रिवाइवल भी आपके प्रयास से ही संभव हो पाया। मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगी हमारे परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रमेश के गोयल जी से कि वे कार्यक्रम का शुभारंभ अपने ज्ञान रूपी शब्दों के द्वारा करें। धन्यवाद। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, आदरणीय उपमंत्री श्री सिसोदिया जी, सचिव श्री डॉक्टर दीपक कुमार, निदेशक श्री अजीमुल हक साहब, हमारे क्षेत्र के श्री अजय दत्त जी, हमारे केंद्र के सलाहकार श्री अमरेश जी और कमलेश जी, योग शिक्षक और केंद्र के विद्यार्थीगण, आप सबको दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमारे शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों की तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आज इस प्रोग्राम में हम आपस में आए हैं। आज जब कोरोना का कठिन समय चल रहा हो तो एक ये सुखद, रोमांचक और नई आशाओं भरा कार्यक्रम करने का हमें मौका मिला है। जिंदगी ख्वाबों के कंधों पर सवार होकर जब उड़ान भरती है और उस पर आशीर्वाद रूपी सुनहरे पंख लग जाते हों तो जिंदगी की रफ्तार दुगनी हो जाती है। 1964 में स्थापित फार्मेसी की एक संस्था, 2008 में यूनिवर्सिटी की कल्पना की उड़ान भरी और 2015 में ये उड़ान जब दिल्ली सरकार के सुनहरे पंख लगे तो ये भारत की प्रथम, द वन एंड ओनली फार्मास्यूटिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी और विश्व की तीसरी फार्मेसी यूनिवर्सिटी की रफ्तार दुगनी तो क्या चौगनी हो गई है। समय का चक्र कुछ ऐसा बदला कि 7 कोर्सेज देने वाली ये संस्था 2020 के आते आते 17 और अब 24 कोर्स शुरू हो गए हैं। इस साल DMLT, BMLT, B.Pharm आयुर्वेदा, MSc इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, MBA इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फार्मेसी इकोनॉमिक्स एंड अलग अलग तरह के कोर्स शुरू हुए हैं। और ये सिर्फ फार्मेसी नहीं, हेल्थ साइंसेस की विविधता इसमें आई है और फार्मेसी के अलावा फिजियोथेरापी, मैनेजमेंट, रेगुलेशंस, बायोटेक्नोलॉजी, आयुर्वेद, पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट यहाँ किए जा रहे हैं। और आज एक सुनहरा दिवस है कि मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस का सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस सम्मिलित होने जा रहा है और जो ग्राउंड लेवल तक हेल्थ का हर एक पहुंचाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। जहां यूनिवर्सिटी के सपने हों कि चोटी की उपलब्धियां प्राप्त करना और उसके साथ केजरीवाल जी, सिसोदिया जी के हौसले साथ में हो तो उड़ान तो होनी ही है। कोरोना काल में नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, दैट इज द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ
और फार्मेसी जीपैट जिसमें 50,000 विद्यार्थी अपियर होते हैं, वहाँ 51 स्टूडेंट्स का क्वालिफाई होना और उसमें भी फर्स्ट और फोर्थ रैंक हमारी यूनिवर्सिटी से आना, ये बता रहा है कि हमारे हौसला हमारे विद्यार्थियों का कितना है। हमारी 3 फैकल्टी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित भारत के टॉप 2% साइंटिस्ट की सूची में आई हैं और औषधि का आविष्कार 2 वर्ष पहले एक न्यूट्रास्यूटिकल जो किडनी के पेशेंट क्रिटिकल केयर पेशेंट्स के लिए मेडिसिन बनी और जो मार्केट में आई एलनिट के द्वारा, और ये एक जज्बा है हमारी फैकल्टी की रिसर्च का। और पिछले वर्ष से कोरोना के संघर्ष के लिए भी दिल्ली के अरावली पार्क से कुछ मेडिसिन वनस्पतियों के द्वारा एक कोरोक्विल दवा बनाई गई है जिसका परीक्षण हुआ जारी भी है और ये शायद जो मेरा मानना है विश्व की पहली फॉर्मुलेशन अगर अब जल्दी से जल्दी अप्रूव हुई जो कोरोना के टारगेट ACE2 को डायरेक्ट अटैक करती है। और ये परीक्षण यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी में एंटीवायरल इफेक्ट क्लियर कट दिखाया गया जो और कोई दवा दिखाई नहीं पाई है जो हर्बल की है और उसमें भी क्लिनिकल ट्रायल हुआ, पॉजिटिव असर है और अब आशा है कि ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में भी सार्थक होगी। हाँ, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिसकी अभी इंतजार है। 5 वर्षों में ही स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी इंडिया के टॉप 10 लिस्टों में भी आ गई। इनोवेशन सेंटर में 16 स्टार्टअप स्टार्ट हुए थे, उसमें से 6 सक्सेसफुल रहे और इंतजार है कि ये और नेक्स्ट स्टेप पर जाए। और इन उपलब्धियों के साथ NIRF और NAC रैंकिंग भी आएगी। अब तक हम क्वालिफाई नहीं थे क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे। तो अगर फैकल्टी ज्ञान का वृक्ष है तो डिप्सार के स्टूडेंट उस ज्ञान रूपी वृक्ष का फल हैं जो अपनी ज्ञान की रोशनी से समाज में स्वास्थ्य की रोशनी दे रहे हैं। हमें आज जब सभी को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से चिंतित हैं और वहां आपका आपके सहयोग और सहयोग से जो ध्यान और योग केंद्र द सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस की शुरुआत हो रही है उससे उसको साथ मिला के न केवल औषधि लेकिन ये केंद्र की ये चीजों से भी के इनके माध्यम से हर घर में सुख शांति स्वास्थ्य पहुंचाएगा, ये हमारी यूनिवर्सिटी पहुंचाएगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। सम्माननीय श्री मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सचिव श्री, निदेशक जी, आप सबको हमारी टीम से मैं कहूंगा कि छींटे उड़ रहे हैं रंग के सप्तरंग अभी हुआ है कहाँ, आरंभ की तो ये शुरुआत है अंत अभी आया है का। आइए फार्मेसी और स्वास्थ्य से ख्वाबों की उड़ान बढ़े, आइए सपनों की ऐसी बुनियाद बनाएं, आइए कि दुनिया में कुछ ऐसा करें कि कोरोना को लोग भूलकर अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना करते हुए रोशनी जगमगाएं। इन शब्दों के साथ मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं, जो लिंक से जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अगले साल आते आते हम फिजिकली मिलेंगे। धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहूंगी कुल सचिव डॉक्टर ओपी शुक्ला जी से एवं कुलपति प्रोफेसर रमेश के गोयल जी से कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री अरविंद केजरीवाल जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मैं पुनः आग्रह करूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री मनीष सिसोदिया जी को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
अब मेरा नम्र निवेदन जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा के प्रारूप को ही बदल दिया। मनीष का इंग्लिश में अर्थ है लोड ऑफ माइंड, वन विद जॉयफुल टेम्परामेंट, ट्राइड हार्ट एंड डीप थिंकिंग। दीपसर विश्वविद्यालय की स्थापना केवल आप ही के अथक प्रयासों का परिणाम है, तो मैं आग्रह करूंगी कि आप हम सबको अपने अनुभवी एवं अंतर्दृष्टि शब्दों से संबोधित करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दीपसारू के माननीय वाइस चांसलर साहब, हमारे रजिस्ट्रार साहब, फैकल्टीज, हमारे उच्च शिक्षा सचिव दिल्ली सरकार के हाथ में रख लो, और दिल्ली सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक, और यहाँ इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हमारे सभी भावी योग शिक्षक, आप सभी को योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले तो दीपसारू की पूरी टीम और जो हमारे साइंस एंड मेडिटेशन सेंटर की जो फैकल्टीज हैं, जो उसके इंस्ट्रक्टर कंसल्टेंट्स हैं, उनको सबसे पहले बधाई देता हूं कि इतने छोटे समय में और कोरोना के एक बड़ी वेव के बावजूद आप सब ने तैयारी जारी रखी और जिस पूरे प्रोग्राम का अनाउंसमेंट इस साल किया गया था बजट के दौरान, उसको अमल में लाने का काम आप सब ने कोरोना की इस बड़ी वेव के दौरान भी जारी रखा। और आज हम जैसे ही अब दिल्ली में केसेस कम हुए हैं तो योगा डे के अवसर पर इसको बहुत तीव्रता से आगे बढ़ाने के एक पायदान पर पहुंच गए हैं। मैं आज सभी भावी योग शिक्षकों को कहना चाहूंगा कि आज हम जिस अभियान के तहत मिल रहे हैं उसकी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने रखी थी। उन्होंने रखा था कि भारत तो योग गुरु का देश रहा है, दुनिया को भारत ने योग सिखाया है, ध्यान सिखाया है। आज दुनिया में कहीं भी मेडिटेशन की बात होती है, ध्यान की बात होती है तो भारत की बात होती है, दुनिया में कहीं भी योगा की बात होती है तो भारत की बात होती है। ऐसे में हम भारत की राजधानी के लोग योग से वंचित क्यों रहे? तो उन्होंने इसकी परिकल्पना की कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ये जिम्मेदारी ले कि दिल्ली के हर एक व्यक्ति को जो योग करना चाहता है, जो योग सीखना चाहता है या रोजमर्रा की जिंदगी में योग करके अपना दिन शुरुआत करना चाहता है, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग और ध्यान को अपनाना चाहता है, उसको योग और मेडिटेशन के शिक्षक उपलब्ध कराना सरकार जिम्मेदारी ले। इस विषय को मैंने माननीय उपकुलपति से डिस्कस किया, उन्होंने बहुत तीव्रता से इसको इम्प्लीमेंटेशन का पूरा प्लान बना के हमारे सामने रखा और आज हम करीब 300 यहाँ योग इंस्ट्रक्टर्स हैं आपके, 450 ऐसे करीब 450 योगा इंस्ट्रक्टर्स, जो योगा एंड मेडिटेशन के इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग का ये काम शुरू कर रहे हैं। जैसा बताया गया 3 महीने की ये बहुत पहले चरण की ट्रेनिंग, एग्रेसिव ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ये सब लोग क्षेत्र में जाके लोगों को योगा एवं मेडिटेशन की प्रैक्टिस कराना शुरू कर सकते हैं। इनमें से जो जो लोग संभव हो पाएगा और जहां जहां से जनता की मांग रहेगी और ये लोग जाके वहां प्रैक्टिस करा सकते हैं और साथ साथ अपना कोर्स भी जारी रखेंगे। ये पूरा डिप्लोमा 1 साल का है, तो इसका ये पहला बैच आप सब लोगों का ये बैच है, तो पहले बैच के सभी योगा इंस्ट्रक्टर्स को भी मैं बधाई देता हूं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को जमीन पर जाकर साकार करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामना और ऐसी अपेक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो कोर्स तैयार किया गया है इसको भी मैंने बहुत ध्यान से देखा है, ये एक अनूठा कोर्स है 1 साल का, जिसमें योगा और मेडिटेशन, जो योग की दोनों धाराएं मानी जाती हैं, प्रमुख धाराएं मानी जाती हैं, दोनों को बहुत अच्छे से सम्मिलित किया गया है। इसमें पतंजलि का योग है तो भगवान बुद्ध का ध्यान भी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही तरीके से पिरोया गया है, तो ये बहुत अच्छे से एक कोर्स डिजाइन किया है। मुझे लगता है कि इस योग एंड मेडिटेशन कोर्स को पूरा करने के बाद जो हमारे पहले बैच के साथी हैं, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में और पूरी दुनिया में योग की इस मशाल को आगे लेके जाएंगे। मैं आज योग दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और एक बार पुनः दीपसारू का, पूरी टीम का और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विजन के लिए, इसकी कल्पना रखने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री अरविंद केजरीवाल जी से एवं विशिष्ट अतिथि श्री मनीष सिसोदिया जी से नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आज के समारोह से संबंधित तथा ध्यान एवं योग डिप्लोमा कार्य प्रणाली की पुस्तक का विमोचन अपने पर कमलों के द्वारा करें। मैं अन्य मंचासीन गणमान्य से विद्वानों से भी पुस्तक विमोचन में शामिल होने के लिए आग्रह करूंगी। मंचासीन विद्वानों को धन्यवाद। जन जन के सहित परम योगी कर्तव्यनिष्ठ परम आदरणीय जिन्हें किसी औपचारिक परिचय की आवश्यकता नहीं है श्री अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि वे आज के समारोह के सबसे प्रतीक्षित क्षण अर्थात आपके अध्यक्षीय संबोधन द्वारा सभी श्रोतागण को अनुग्रहित करें। आज इस मौके पे मौजूद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे सेक्रेटरी साहब दीपक जी, डायरेक्टर अजीमुल हक जी, दिप्सरू के वाइस चांसलर रमेश गोयल जी, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी इंस्ट्रक्टर्स, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर लगभग 450 इंस्ट्रक्टर्स जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इससे अच्छे तरीके से और नहीं मनाया जा सकता था। हम लोग ये सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस शुरू करने जा रहे हैं। मेरा और मनीष जी का सपना था, 1.5-2 साल से हम सोचा करते थे कि किस तरह से दिल्ली के हर व्यक्ति तक योगा को पहुंचाया जाए। ये एक वाक्य कई बार सुना है कि योग को जन आंदोलन बनाना है, योग को जन आंदोलन बनाना है। ये कहते तो बहुत बार हैं, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कैसे बनाया जाए जन आंदोलन, कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए इसको। तो जैसे मनीष जी ने अभी कहा कि पूरी दुनिया को भारत योग सिखा रहा है, लेकिन अपने भारतवर्ष में कितने लोग योग करते हैं। तो इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए इसके ऊपर चिंतन मनन चल रहा था। इस बार फिर जब बजट आ रहा था उसके पहले हम लोगों ने बैठ के कई लोगों के साथ इसके ऊपर चर्चा किया, विचार विमर्श किया और हमने ये तय किया कि इसको एक बजट दिया जाए, स्पेसिफिक बजट दिया जाए। और मान लीजिए कोई भी 20, 25, 30, 40 लोग
अगर अपना ग्रुप बना के दिल्ली सरकार को फोन करें और कहें कि भाई हमें योग सीखना है, तो दिल्ली सरकार उनको इंस्ट्रक्टर मुफ्त में प्रोवाइड करेगी। वो योगा के लिए अपनी RW में बुला लें, चाहे किसी पार्क में बुला लें, किसी भी सार्वजनिक स्थान के ऊपर वो बुला लें, 25, 30, 35, इसका आप सब लोग बैठ के डिजाइन कर लीजिएगा। लेकिन इतने लोग अगर बुलाएं और कहें जी हमें योग सीखना है, तो इंस्ट्रक्टर दिल्ली सरकार मुफ्त में देगी। मुझे लगा कि एक बड़ा सरल तरीका है लोगों को योग के प्रति खींचने का और उनको योगा की सारी वो मुहैया कराने का। इस सपने के साथ हम लोगों ने इस साल बजट के अंदर प्रावधान किया और हमने सोचा था कि हम इसको पूरी शिद्दत के साथ शुरू करेंगे। फिर कोरोना आ गया, जैसे ही बजट लागू हुआ 1 अप्रैल से, और उसके बाद कोरोना आ गया। आप यकीन मानिए मुझे, मैं अपने मन में ये सोच के बैठा था कि अभी शायद ये वाला शुरू नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अभी जब हफ्ता भर पहले मनीष जी ने मुझसे टाइम मांगा आज के कार्यक्रम का, तो मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा अच्छा वो शुरू हो गया, तो इन्होंने कहा हाँ जी हो गया। सो मैं आप सब लोगों को, जो जो लोग इसमें शामिल हैं, रमेश जी हैं, कमलेश जी हैं, दीपक जी हैं, अजीमुल हक जी हैं, आप सब लोग, जो जो लोग और आप सब इंस्ट्रक्टर्स जिन लोगों ने इसको इतने कठिन समय में, जबकि पूरी पूरी दिल्ली, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, आपने इसको जारी रखा और आज हम एक्चुअली इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अक्टूबर से हम इसको जनता के बीच ले जाने के लिए तैयार होंगे। आज हमारे सामने जो 450 योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो योगा इंस्ट्रक्टर्स तैयार हो जाएंगे और 2 अक्टूबर से हम एक्चुअली दिल्ली के लोगों को ये कॉल दे पाएंगे कि भाई अगर आप अपने यहाँ योगा कराना चाहते हैं तो आप हमें बताइए, हम आपको टीचर मुफ्त में प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है अभी कम टीचर्स हैं, सबको, सारे लोगों को हम टीचर्स ना प्रोवाइड कर पाएं, लेकिन एक शुरुआत होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो इस पूरे कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए इतने कम समय में, मैं देख रहा हूँ अभी 2 महीने भी नहीं हुआ, आप लोगों ने टीचर्स मैनुअल भी बना लिया, स्टूडेंट्स मैनुअल भी बना लिया, इतने सारे योगा इंस्ट्रक्टर्स भी इकट्ठे कर लिए, तो आपने आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूं कि लोगों को योगा की जरूरत महसूस हो रही है। जब लोग आपस में बात करते हैं कि इसको कोरोना हो गया, उसको कोरोना नहीं हुआ, जब लोग आपस में बात करते हैं कि इसको तो माइल्ड कोरोना हुआ, उसको तो बड़ा तेज कोरोना हुआ, तो फिर लोग आपस में बात करते हैं कि इसकी तो इम्यूनिटी ज्यादा है, इस वजह से इसको कोरोना नहीं हुआ, या इस वजह से इसको कोरोना कम हुआ। तो अब ये इम्यूनिटी जो शब्द है, ये हर आदमी के मुंह पे है, और ये इम्यूनिटी कैसे आएगी, ये इम्यूनिटी तो अपने ठीक लाइफस्टाइल रखने से आएगी, ये इम्यूनिटी तो योगा करने से आएगी। योगा लोगों को इम्यूनिटी प्रदान करेगा, योगा लोगों को अंदर से शक्ति देगा, योगा लोगों को स्वस्थ रखेगा। तो इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड, मैं समझता हूँ लोगों को शायद योगा की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, दोनों तरीके से, एक तो कोरोना से बचने के लिए, इम्यूनिटी लेने के लिए, ताकि आप अगर अच्छी इम्यूनिटी होगी तो योगा से बचेंगे, योगा करेंगे तो इम्यूनिटी अच्छी होगी, और दूसरा ये पोस्ट कोविड, कोरोना हो गया उसके बाद लोगों के, जिनको खासतौर से स्ट्रांग बीमारी होती है कोरोना की, उनके पोस्ट कोविड साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, तो उनको शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये दोनों की बहुत सख्त जरूरत होती है। कोरोना बेसिकली तो लंग्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं समझता हूँ कि पोस्ट कोविड में जब हम प्राणायाम वगैरह सिखाएंगे तो इसका लोगों को काफी लाभ मिलेगा। तो कोरोना काल के अंदर योगा का सबसे ज्यादा महत्व मैं समझ रहा हूँ, और ऐसे समय के अंदर जब ये योगा का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और मैं बेहद खुश हूँ और दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए आज इतना शानदार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और सबको शुभकामनाएं। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर सुरेश कुमार जी टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। चीफ मिनिस्टर सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर, डायरेक्टर डीटी, वाइस चांसलर दिप्रु, रजिस्ट्रार एंड ऑल दी फ्रेटर्निटी फ्रॉम दी यूनिवर्सिटी, it is my privilege to deliver this vote of thanks. This is a momentous occasion of a virtual inauguration of the Center for Meditation and Yoga Sciences. I once again thank you, sir, for your kind and encouraging words. I am sure this would motivate our team to work even more harder and to bring in the benefits for the public of Delhi. Sir, on behalf of our department and the university, I should heartfully thank yourself and the Honorable Deputy Chief Minister, sir, for his constant guidance, without which I don't think we would have set up this center in such a quick manner. You have been a constant pillar of support. Thank you so much, sir. I also thank the Vice Chancellor and the all the faculty members from the university, and also all the students who are connected through the video conferencing here. I thank you all, and I also wish all of you a very happy International Yoga Day. And thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. आप सभी के शुभ स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।